साथियों, आर्टिकल ए एंड डी में से कौन सा आएगा अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी से पहले? नंबर एक, आई हैव ब्लैंक स्पेस अम्ब्रेला, यू ऊ वाउल साउंड है इसलिए एन आर्टिकल आएगा। दूसरे में, यूनिवर्सिटी में यह कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है इसलिए ए आएगा। दूसरे सवाल में ऑप्शन ए आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड यह है। और तीसरे में यूनिवर्सिटी से पहले द आएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। तो साथियों, इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय। साथियों, आर्टिकल ए एंड डी का प्रयोग एक ही नाउन से पहले किस प्रकार करेंगे? एग्जांपल, एक है गर्ल इज प्लेइंग, दूसरा ऑनेस्ट गर्ल इज प्लेइंग, तीसरा गर्ल इन रेड ड्रेस इज प्लेइंग और चौथा है गर्ल्स आर प्लेइंग। तो पहला देखते हैं, गर्ल इज प्लेइंग में आर्टिकल ए आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू है। दूसरे में एन आएगा ऑनेस्ट गर्ल से पहले क्योंकि ओ वाउल साउंड से शुरू हो रहा है। तीसरे में द आएगा क्योंकि गर्ल को हमने डिफाइन किया है रेड ड्रेस। और चौथे में गर्ल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर आएँ। साथियों, इन ए जिफी ईडियम का क्या सही अर्थ होगा? वेरी सून, बहुत जल्दी, लेटर बाद में, अ लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद में, आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत समय के बाद में। तो इसका अर्थ होता है चुटकियों में कोई काम कर देना, यानी बहुत जल्दी कोई काम कर देना। हमारे पास सही ऑप्शन होगा ए, वेरी सून, बहुत जल्दी या चुटकियों में कोई काम कर देना। वी कैन डू दिस इन ए जिफी। इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। फ्रेंड्स, आपसे अगर प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो इसका मतलब है आपके पिताजी का क्या नाम है। आपको आंसर इस प्रकार देना चाहिए, माय फादर्स नेम इज मिस्टर चंद्रवान शर्मा, ये मेरे पिताजी का नाम है। आप नाम हटाकर दूसरा नाम लिखें, यहाँ पर रिप्लेस करके अच्छी तरह बोलें, कॉन्फिडेंटली बोलें। फादर में अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, इसका मतलब है पिताजी का क्या नाम है। तो साथियों, सिंपल क्वेश्चन और उसका आंसर है। इसी तरह से आपको अंग्रेजी सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, लिटरेचर एट्सेट्रा, तो आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्र पीएम सर को और वहां प्लेलिस्ट आपके काम की है, उन्हें खोलकर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय। आप कैसे हो कि अंग्रेजी हाउ आर यू का रिप्लाई होगा आई एम फाइन एंड थैंक यू, मैं अच्छा हूँ और आपका धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to English Mantra with BM Sir YouTube channel. Thank you very much. अंग्रेजी सीखते रहिए, मस्त रहिए। Learn English. मान जाओ ना। Please agree. उन्हें बात करने दो। Let them talk. मैं अभी तैयार होता हूँ। I will be ready in a moment. मैं सीधे यहाँ आया। I come straight here. Subscribe my YouTube channel for more.